तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो दोस्त, ये मेरा फार्म है और ये हमारे कड़कनाथ। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको मैं जो लोग मछली पालन बायोफ्लॉग विधि से कर रहे थे तो उनके बारे में बता दो, कि वो जो जितने भी लोग कर रहे थे बिहार से लेकर यूपी, हरियाणा, उड़ीसा या फिर जितने भी स्टेट और जितनी भी जगहों पर हमारे इंडिया में बायोफ्लॉग कर रहे थे लोग, वो 99% फेल हैं। और सक्सेस वही लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग करके लोगों को लूट रहे हैं और लोग इसमें लूट रहे हैं टैंक इंस्टॉल कर करके। तो मैं उनको एक इस वीडियो में एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने जो जिन लोगों ने टैंक बना लिया है और वो फेल हैं, पास तो कोई नहीं है मुझे पता है। ये हमारा ब्रॉयलर का फार्म है और आज इसकी 40 डे हो गई है एज, और ये अभी लिफ्ट नहीं हो रहा है। बहुत मंडी जो है डाउन है और मार्केटिंग भी काफ़ी लो है, तो इस वजह से इतना इसका महीने चला गया है। आईवी का मुर्गा है, वैसे 35-36 दिन में लिफ्ट हो जाता था, लेकिन जो है इस टाइम मार्केट में जो है खपत बहुत कम है। तो मैं बता दूं आपको, तो मैंने क्या किया था कि करीब 50 बर्ड ले आया था कड़कनाथ के। तो अपने इस बायोफ्लॉग टैंक को मैंने, ये दो टैंक मैंने लगाया हुआ था, 10-10 हज़ार लीटर के दो टैंक, और 2-3 बार मैंने भी मछली डाल करके प्रैक्टिकल किया तो रिज़ल्ट जीरो रहा। केवल रिज़ल्ट मिला तो जो छोटा जीरा साइज़ का जो बच्चा होता है, स्पॉन कहिए, उन बच्चों को ला करके आप इसमें स्टॉक कर सकते हैं, तो थोड़ा उसका रिज़ल्ट ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप छोटा बच्चा जब तालाब में या नर्सरी में डालते हो तो वहाँ बच नहीं पाता, मेंढक, पक्षी और सांप वगैरह ये सब खा जाते हैं। लेकिन जब इसमें छोटा बच्चा आप इंस्टॉल करोगे तो आपका वो बच जाएगा, और 2-3 महीने उसको स्टॉक करने के बाद आप थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिंगर साइज़ का, तो फिर अपने तालाबों में आप डाल सकते हो। तो उस तरीके से आप एक बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबके पास प्रॉब्लम है कि लोगों ने सोचा कि एक छोटी सी जगह में एक दो टैंक लगा करके अच्छे से मछली पालन करेंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेल। तो अपने मछली पालन को आप मुर्गी पालन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें देखिए, मैंने 50 बर्ड डाले थे और वो अच्छे से इसमें रह रहे थे, अच्छे से, यही सब बर्ड हैं। अभी फ़िलहाल में 10 मुर्गियाँ बची हैं और 3 मुर्गे, इनसे अंडा प्रोडक्शन हो रहा है, और इन्हीं के बच्चे हैं ये सब जो इस वाले टैंक में हैं। करीब 100 बच्चे इसमें हो गए हैं और कुछ हमने सेल भी कर दिया है, और एक टैंक में आराम से आप 100 बच्चे रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप सेल कर सकते हैं। देखिए, एक इस तरफ से एक छोटा सा गेट बना दिया गया है अंदर आने जाने के लिए, और जो तारपुलिन थी, तारपुलिन उठा करके ऊपर डाल दिया गया है, ऊपर डाल दिया गया है, और एक ऐसे ठाट टाइप का बना करके, जैसे छप्पर बनाया जाता है, तो उस तरीके से बना करके मुर्गा जाली ऊपर से लगा दिया गया है ताकि कोई जानवर अटैक ना करे। इधर वाली जाली तो बहुत मज़बूत है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं इसको, और ऊपर में तारपुलिन हो गई तो बारिश धूप के लिए सही हो गया, वैसे ही इधर भी। इस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक छोटा सा जगह में, आप देसी मुर्गी पालन इसमें कर सकते हैं, WFG हो गया, कड़कनाथ हो गया या फिर सोनाली हो गया, इन सारे बर्ड को पाल सकते हैं। ये ब्रॉयलर को नहीं रख सकते, इसमें नहीं चल पाएगा, लेकिन देसी में आप अपना टैंक यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छा खासा ये मुनाफा भी देंगे। थोड़ा सा स्पेस रखिए, थोड़ा बहुत है, जैसे मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, बरसीम है, ये लोग चरते भी हैं इसको, 2-3 घंटे इनको ओपन रेंज में छोड़ दिया जाता है, तो इससे डिसीज़ फ्री ये लोग रहते हैं, और ठंडी भर इनका हमने जो है बढ़िया से हैच कराया अंडा इनक्यूबेटर में अपने, और बच्चे निकले अच्छे, और ठंडी भर खूब देसी अंडा भी खाया गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, और जो लोग अभी तक लूट रहे हैं बायोफ्लॉग के चक्कर में, तो उनके पास ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अपना टैंक, कोई ख़रीदेगा तो है नहीं सेकंड हैंड में, क्योंकि ये फ्लॉप सिस्टम है एकदम से, केवल ट्रेनिंग वाले जो है इसमें सक्सेस हैं, वही लूट रहे हैं पूरा। इतना मछली विशेषज्ञ पैदा हो गए थे हमारे बिहार से लेकर के इधर, फिर गोरखपुर में 1-2 एक्सपर्ट हैं मछली के, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जान जाओगे, जो बड़े बड़े जो है मछली विशेषज्ञ हैं, इधर एक दतिया में हैं और फिर एक उधर हरियाणा में कई लोग हैं,
आप सब लोग जानते हैं उनको, तो खूब लूटा उन्होंने। थोड़ा सा इस टाइम वो लोग फ्लॉप वो भी चल रहे हैं, गायब हैं इस टाइम। तो ये वीडियो में आपको जानकारी देना था, तो प्लीज़ आप बाय फ्लॉक के चक्कर में ना पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप सिस्टम है और बहुत सारा इसमें जो है मानक होता है, सारा कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। और सबसे सही सिस्टम है तालाब का, इसको आप लेकर के रन नहीं कर पाओगे। इसमें 24 घंटे बिजली की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एक घंटे के लिए भी फेल हुआ तो सब कुछ फेल हो जाता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने जो भी मछली पालक हैं जो बायो फ्लॉक करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।